ये जो सरकार है महाराष्ट्र की हो या केंद्र की, खास करके यहाँ पे भटकती आत्मा की बात महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत चल रही थी। पवार साहब भटकती आत्मा है, तो उसको उद्धव ठाकरे साहब ने भी जवाब दिया था। ये अब केंद्र सरकार में जो दो अतृप्त आत्माएं हैं, अतृप्त आत्माएं जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी, पहले आप उस अतृप्त आत्मा के समाधान करो। और जैसे पवार साहब ने कहा भटकते आत्मा, आत्मा किसी का पीछा नहीं छोड़, ये सच है। जब तक नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री जी को उनके पद से हम नीचे नहीं उतारेंगे, तब तक ये आत्माएं जो है हमारी वो शांत नहीं रहेगी। सबसे पहले नरेंद्र मोदी को शांति करनी चाहिए दो अतृप्त आत्माओं। जिस प्रकार से कैबिनेट का चयन हुआ है और पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, लगता है सभी आत्माएं अतृप्त है, खास करके एनडीए के उनके सहयोग। महाराष्ट्र में तो हमारी सबकी आत्मा अतृप्त ही है। जब तक आपको सत्ता से नीचे नहीं खींचेंगे, महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी आत्मा यहाँ भटकती रहेगी। तो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर दी गई, आपने भी कहा कि हम 180 सीटों पे चढ़ेंगे और सभी सीटों पे तैयारी करेंगे। डेफिनेटली महाविकास आघाड़ी, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, तीनों मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। महाविकास आघाड़ी मजबूत रहेगी, और मजबूती क्या होती है हमारे महाविकास आघाड़ी की, ये हमने लोकसभा चुनाव में दिखाया है। उससे भी मजबूती से हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और महाराष्ट्र